तस्वीरों में नजर आ रही दमकल विभाग की ये गाड़ी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के काफिले के पीछे चल रही थी कि तभी अंबाला क्षेत्र में साहा नारायणगढ़ रोड पर साहा के नजदीक ये गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। ये हादसा मंगलवार दोपहर करीब 3:15 के आसपास हुआ। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ी इनके काफिले के पीछे चल रही थी तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का काफिला प्रभावित नहीं हुआ। इस हादसे में गांव धमोली माजरी के रहने वाले फायरमैन विक्रमजीत बख्शी और मंगली गांव के रहने वाले फायर ऑपरेटर नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों कर्मचारियों को तुरंत उपचार के लिए अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन विक्रमजीत का कान कटकर अलग हो गया था और शरीर पर जगह जगह चोटें लगी हुई थी, जिस कारण इन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। राहत की बात यह रही कि इनके कटे कान के हिस्से को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बर्फ के पैकेट में बांधकर पीजीआई भेजा ताकि ऑपरेशन कर इनके कान को दोबारा जोड़ने की कोशिश की जा सके। तो उधर फायर ऑपरेटर नरेंद्र कुमार के सिर और शरीर में कई जगह चोटें लगने के कारण इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस पूरे मामले में साहा थाना के प्रभारी ने क्या कुछ बताया, जरा सुनिएगा। ये एक वीआईपी ड्यूटी चल रही थी, गवर्नर साहब का प्रोग्राम था, तो उनके पीछे हम एज सिक्योरिटी रीजन से उनके पीछे लगाई गई थी। तो कुछ गाड़ी के अंदर कमी आ गई थी जिसमें अनबैलेंस होके ये पलट गई है, जिसमें हमारे दो जो गाड़ी के कर्मचारी थे उनको चोटें आई हैं और उनको सेफली निकाल कर पीसीआर के अंदर डाल के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जो वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। फायरमैन विक्रमजीत का कान कटकर इस हादसे में अलग हो गया तो कान बर्फ में रखकर चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया और पीजीआई में इनका ऑपरेशन होना है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, राय रखिएगा। साथ ही चौगड़दे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।